ऐसा लगता होगा ये मालिक नहीं है। Hey guys, welcome back to our channel. मैं हूं का दोस्त साईश पटेल। यहाँ पे हमारा मनीष चाचा जो कि बोल रहे हैं कि तुम ब्लॉग में आजकल हमको ले नहीं रहे हो, नहीं ले रहा तुम। और आज मैंने शर्ट वियर करी है क्रीम कलर जो कि मिल नहीं रही थी, आज मिल गई। हकीकत तो ये है। तो आज है हमारे डॉक्टर साहब घर पे और ये गेट का घर का एंट्रेंस है, वहाँ पे बैठ के चाल रहे हैं। एक घंटे में ना 40 किलो चावल चाल मारे। मदर्स डे पे हमारी तरफ से गिफ्ट है ना मम्मी? नहीं, सही में ले लूंगी पैसा। जस्ट किडिंग गाइस, मैं सिर्फ लेके आया हूँ। माता राम ने बोला चलो ले आया। अच्छी लग रही। तो उनको फाइनली कुछ पसंद आ गया यहाँ। निक्की भैया की शॉप पे ध्यान दे नहीं रहे, अभी देखेंगे तो पूछेंगे क्या कर रहे हो। बहुत भीड़ है यहाँ पे। यहाँ से हो गए फ्री, अब चलते अगली जगह पे। मम्मी के साथ आओ और दो तीन जगह ना जाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब सब्जी लेने जाना हो तो क्या ही बताएं। और सामने बजरंगबली का मंदिर हमारे, ठीक है, अब मिलते हैं आगे। और ये खड़ी है मेरी स्प्लेंडर जो कि फिलहाल में थोड़ी बहुत सही हो गई है चलने के हिसाब से। डेंट वगैरह चेंज करवाना है मेरे को, मिल नहीं पा रहा है मेरे को ये वाले ग्राफिक्स। जैसे ही मिलते हैं मैं चेंज करवाता हूँ। और कह रहा अभी चलते हैं। गाइस मैं हूँ अभी पुरानी गल्ला मंडी में, यहीं पे सब्जी मंडी का मार्केट है। बहुत कुछ के साथ होके आ गया था मार्केट, फिर मन नहीं लग रहा था तो गया यश के यहाँ, यश को उठाया। तो अब थोड़ी देर यहाँ पे टहलते हैं, बैठते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे घर। देखते हैं कुछ नया काम आएगा तो वो निपटाना। तो गाइस ये है डे टू, आज जाऊंगा हेयर कट करवाने। हेयर कट नहीं करवाने जा रहा, हेयर सेट करवाने जा रहा हूँ, ये देख सकते हो। अब भी जस्ट उठाऊँ, ब्रश वगैरह किया, कॉफ़ी पी, और मैंने कहा चलते हैं, आज है मंडे, चलते से निकालते हैं स्प्लेंडर, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो भाई हेयर कट वगैरह हो गया है, अब चलते हैं घर। और जल्दी हो गया, भैया ने फोन लगा दिया था, इस करके हमारा जल्दी काम हो गया। ये खड़ी हमारी स्प्लेंडर, अब निकलते हैं घर की तरफ से। गार्डन जाने का सोच रहा हूँ, अब चल के देखते हैं गार्डन, क्या मनीष चाचा मिलते हैं कि नहीं। तो गाइस आया था मैं फूफा जी के साथ, मतलब उर्मिला बुआ के रियल जीजा जी हैं और मेरे फूफा जी लगे। और मैं आया था अभी गार्डन पे मनीष चाचा से मिलने। अब गाइस ये बैठे हैं सेठ लोग। सेठ जी, सेठ जी आपकी कुर्सी बिगाड़ दें, हमको पलटा के बैठना है, आपको तो खाना है गाइस। इस तरीके से बैठे हैं ये। तो गाइस अब तैयारी दिखाता हूँ, आज शादी है यहाँ पे। अब हमारी शादी नहीं है, ये जो चाचा है ना मनीष चाचा, इनका टेंट है, टेंट हाउस है, काफी बड़ा टेंट हाउस है। ये दूसरे वाले फेस में बैठे हैं हम लोग, और जस्ट इसके पीछे यश का घर पड़ता है। वो दिखेगा नहीं अभी, उसका छत दिख रहा है बट मैं दिखा नहीं सकता। और मैं अभी जस्ट कटिंग वगैरह करवा के नहा के आया हूँ, तो अब दिखाते हैं कैसी क्या तैयारी करी है फूफा जी। अब हमें बताने चल रहा है कि खोवा की जलेबी कैसे बनती। खोवा की नहीं बनेगी, मरती बनेगी शायद। क्या इफेक्ट वो देख लेंगे, क्या इफेक्ट आ रहा है पीछे का। अब चलते हैं हम आगे किसी और। और अभी ये इनको ना बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि कैसा रॉ सा वीडियो बन रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब ये खुद देखेंगे ना व्लॉग तो बोलेंगे यार गजब का वीडियो बना था। हाँ वो ये तो ये बोल रहे हैं, देख के चलिए कचरे में ना घुस जाए। चाचा की स्कूटी खड़ी है यहाँ पे, स्टेज कुछ लगता हुआ, ये अपने ही स्टेज है। और ये वेदांत, वेदांत। तो गाइस ये देख सकते हो कुछ जलेबी बनती है। क्या हो गया? ये ऐसी जलेबी बनती है और अब मैं बन चुकी है, मतलब फूफा जी हमको गाइड कर रहे हैं। और ये कुछ इस तरीके से बनती है खोबा की जलेबी। थोड़ा कुछ बताओगे हमको इसमें क्या क्या होता है? खोबा, आरा रोट, एक और दूध पाउडर। दूध पाउडर, दूध पाउडर कौन सा वाला यूज करते हो? अमूल वाला, अमूल का। बरबटी भिंडी क्या रखा है? भिंडी बनेगी, भिंडी का मसाला बनेगा जो की फूफा जी देख रहे हैं अभी। और यहाँ से कुछ ऐसी बन रही है जलेबी, ये आई थिंक वो कुप्पे का वो है ना, ये रॉड लिए हाथ में जो क्या बंदा कंफ्यूज। यार हम वीडियो बनाने लग रहे थे, फूफा जी ने तो कंटेंट ही कंटेंट दे दिया। और ये ग्रीस चाचा यहाँ पे जो कि अभी पहचान में हमें खुद नहीं आए। ये लोग कौन थे सर, क्यों चले गए जा पूछ के? और ये मनीष चाचा के साथ वेदांत, देखता ही से मुंह में पानी। हाँ यार, एक हाथ उठा लेंगे। अरे नहीं नहीं भैया। क्या बना रहे? चावल रख ला, चावल यहाँ पे बन रहा है। और पानी पूरी वगैरह सब रखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये सेठ जी हैं, सेठ जी का आप देख सकते हैं। सेठ जी इधर आइए जरा,
और ये सेठ जी का काम चल रहा है, यही मैनेज करते हैं इन्हीं के नाम पे टेंट हाउस, ग्रीस टेंट हाउस। और ये जो देख रहे हैं ना, ये ऑरेंज शर्ट वाले, ये ऑरेंज शर्ट वाले हमें जरा देख नहीं रहे हैं अभी। ये जो देख रहे हैं ना, ये मालिक नहीं है। ऐसा लगता होगा ये मालिक है, ये मालिक नहीं है, ये छोटे मालिक है दरअसल। और ये गिरीश चाचा का लड़का विद्यू, अरे तुम्हारा मुंह का बना है, घर की सबसे छोटी सीट, किसने मारा इसको? अरे वरी 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 वरी। तो और खैर, और दिखाते हैं देखने लायक क्या है यहाँ पे। खैर भूपा जी मिल गए ना, तो कंटेंट की भरमार लग गई हम एकदम से। हाँ करो ना, ठीक है, हाँ करो ना, पूरी खा लो यार भूपा जी। वाह, हाँ पूरी खा लो। कैसी है जलेबी? तो गाइस जलेबी तो दिखा दी, और चीज दिखाते हैं, और ये शोर है, अब चलते हैं और आगे दिखाते हैं और क्या क्या बन रहा है। भैया इसमें क्या पीस रहे हो? अच्छा डोसे का बैटर वो, और क्या क्या पीस गया इसमें? दही बड़े की दाल पीस रही है। हाँ सब्जी का मसाला पीस रही है। अभी क्या हो गया? कुछ नहीं, सब कंप्लीट है, इसको कंडेंसर बदल रहा है, इसका काम हो गया। अच्छा क्रॉम्पटन की मोटर है क्या? तो गाइस अब दिखाते हैं यहाँ की डेकोरेशन की कैसी क्या डेकोरेशन हुई थी। तो ये देख सकते हो ऐसा कुछ स्टेज सजा हुआ है, विंग्स लगे हुए हैं, और ये सेठ जी जाते हुए यहाँ से, और कुछ यहाँ पे ये सोफे वगैरह रखे हैं, लाइट वगैरह उल्टे करके रखे हैं क्योंकि ये अभी फिट होने हैं, ये फिट हुए नहीं है। ये मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी सर बोलिए ना। हाँ ये पूरा बांस का बना हुआ। हाँ चलो ले चलते घर इसको। दो आपके यहाँ इंदौर पे चले, इंदौर चले जाएंगे, दो हमारे यहाँ यहीं रह जाएंगे। और यहाँ पे कुछ ये टेबल है जिसपे कुछ तो होता है। हाँ वो नहीं होता, बहुत कुछ होता है जो कि मैं भी समझ गया, मैं बोलना नहीं चाह रहा। हाँ इनके साले साहब, ये हमारे फूफा जी, और यहाँ पे कुछ मीटर के कनेक्शन है। फूफा जी चलो इनको समझाओ ये कैसे कहाँ कनेक्शन करें, आप टेक्निकल ही आदमी डिपार्टमेंट का नहीं है। तो इनके डिपार्टमेंट की चीज नहीं है, थे बोल रहे मैंने पूछा कैसे कनेक्शन करें, बोलते हैं नहीं। और ये जनरेटर रखे हैं डीजी, एक वो रखा है, ये वाला टेम्परेरी है, वो वाला परमानेंट वहीं रखा है। तो ग्रीस चाचा यहाँ बोल रहे हैं चल लो जल्दी, ये जो है ना इनका मन नहीं हो रहा जाने का यहाँ से। ये तो लग गए यहाँ, और फूफा जी को अब घर छोड़ना क्योंकि इनको निकलना है इंदौर, हमारी बस निकल जाएगी 7 बजे। हाँ फिर हमें कब बुला रहे इंदौर? चलो साथ में। नहीं अभी अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, अभी बहुत ज्यादा शादियां हैं घर पे, उसके बाद अटेंड करने के बाद हम लोग मिलेंगे। अबे तुम्हें क्या हो गया? हाँ रो लो, तुम कैमरे के सामने रो लो। अरे 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 अरे। और अब ये देख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ पे हम ज्यादातर पार्क में, और वो है फेज 1, वहाँ पे ज्यादातर हम लोग बैठे रहते थे क्योंकि मन नहीं कर रहा इनका जाने का, बट इनको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इनको इंदौर निकलना है। पहले टिकट बुक करा ली बट मानने का तैयार नहीं है, बोलते घूमने चलो। अब घूमने नहीं जा सकते फूफा जी, अब आपकी बस है, अब हम चलते हैं घर। तो घर चल के मिलते हैं। और तो गाइस मैं आया था यश के यहाँ पे, यहाँ पे छुट्टी है बिल्ली, मैं दिखाता हूँ आप कहाँ जाना है, पंजाना मार दे कहीं। कहाँ बैठी हो? क्या नाम है तुम्हारा? ओए म्याऊ नाम। तो गाइस मैं और यश आए थे अब टहलने, यहाँ पे टहलते हैं थोड़ी देर और फिर चलते हैं घर। तो गाइस फाइनली इतने दिन बाद बाइक वॉश करने का मौका मिला, जल्दी से वॉश करते नहीं तो मल चले जाएंगे। तो गाइस बाइक तो मैंने वॉश कर ली, काफी ज्यादा थक गया हूँ यार, बहुत ज्यादा मेहनत लग। तो अब देखिए जल्दी से वीडियो, मतलब दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि कितनी साफ दिख रही है मेरी गाड़ी XED। देख सकते हो रात में भी आई थिंक कुछ समझ में ना आ रहा हो, ये मैंने अभी कपड़ा मारा है इस पे गीला कपड़ा जस्ट, और इसकी एक चीज मेरे को अब भी जस्ट पता चली है, देखना ये मैंने करी चाबी ऑन, ये मैंने करी बाइक स्टार्ट, ये लाइट चालू है, यहाँ पे चल गई ये लाइट, अब ये हो गई बंद और ये जलती रहेगी। अभी तो जल रही थी, अब क्या हुआ भैया तुमको, बुरा हो रहा महन गए क्या? अभी जल रही थी अब बंद होने लगी, वो देखो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही मस्त मस्त ब्लॉग्स या वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए ब्लॉग वाले भैया को, और मैं मिलता हूँ ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, तब तक लिए बाय गाइस।